हेलो एवरीवन, आप सबको आशा डल कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करने जा रहे हैं मछली और चना दाल की रेसिपी। बहुत ही आसान है, झटपट बनने वाला रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। और यहाँ पर हमने 500 ग्राम मछली ले लिया। तो आप कोई भी मछली ले सकती हो, जो आपको पसंद हो वही मछली ले लीजिए। मछली को अच्छी तरह से धोकर साफ सुथरा कर ले लिया और बीच बीच में हम इसी तरह चीरा भी लगा दिया। और मछली में हम डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, धनिया जीरा की पाउडर, और डाल देंगे हल्दी पाउडर, और साथ ही में लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा हम डाल देंगे। तो लाल मिर्च पाउडर भी हमने डाल दिया, और साथ में फिर से दो हमने सूखे लाल मिर्च ले लिया। इसे भूनकर इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है, तो इसीलिए हमने भूनकर इसे तोड़कर मछली के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसी तरह मिला लिया और इसे भी हम एक साइड में रखेंगे। और यहाँ पर हमने ले लिया बारीक कटी हुई लहसुन। तो एक लहसुन को हमने बारीक काट कर ले लिया, और एक प्याज को भी बारीक कट कर ले लिया, एक टमाटर को बारीक कट कर ले लिया, हरी मिर्च ले लिया, और यहाँ पर हमने उबले हुए चना दाल को ले लिया। और चना दाल को अच्छी तरह से धोकर साफ सुथरा कर हमने कुकर में डाल दिया। और उसके बाद हमने हल्दी और नमक डालकर इसका सीटी लगा लिया। और यहाँ पर तेल डाल दिया, पैन पर तेल भी गर्म हो गई। तेल गर्म हो जाने पर एक एक कर हम मछली डाल रही हूँ, जितने पैन में आएंगे उतनी ही हम डाल देंगे। तो मछली को डाल दिया, और मछली को हम फिर पलट भी देंगे। तो दोनों साइड में हम मछली को इसी तरह फ्राई कर ले लेंगे अलट पलट कर। तो इसी तरह हमने मछली को भी हमने फ्राई कर ले लिया, और मछली को भी हम प्लेट में निकल रही हूँ। तो बाकी जो मछली है उसे भी हमें फ्राई कर ले लेना है। तो इसी तरह हमने मछली को निकल लिया, और बाकी मछली को भी हम इसी तरह फ्राई कर इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ये भी बन के तैयार हुए। और वही तेल पर हम तड़का डाल देंगे। सूखे लाल मिर्च ले लिया, और आधा चम्मच जीरा भी हमने ले लिया। तो इन सब मसाला हम तेल में डाल दिया। चटकने के बाद हम उसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई लहसुन। तो लहसुन को भी हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है। इसकी जब बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएंगी तब हम उसमें डाल देंगे प्याज। बहुत ही अच्छी तरह से लहसुन की भुनाई हो गई, प्याज भी हमने डाल दिया। प्याज को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके कलर बिल्कुल भी हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ सॉफ्ट होंगे। और यहाँ पर हम डाल रही हूँ टमाटर। तो प्याज सॉफ्ट होने के बाद टमाटर डाल दिए, इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लिया। हम सूखे मसाला डाल देंगे, धनिया जीरा के पाउडर एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक हमने ले लिया। तो इन सब मसाला को हम डाल देंगे। बहुत ही बेसिक मसाला है, हर घर में अवेलेबल रहती है। तो मसाला डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, नहीं तो मसाला जल जाएंगे, इसलिए हम उसमें थोड़ा पानी भी डाल देंगे। तो पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से जब उबाल आ जाएंगे तब हम उसमें डाल देंगे एक एक कर मछली। तो ये मछली हम सारे डाल रही हूँ। तो जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतनी आप पानी डालिए। तो हमने पानी डाल दिया और इसे अच्छी तरह से मिला लिया। अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए ये चना दाल। तो चना दाल को भी हम इसी तरह डाल रही हूँ। तो डालकर अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर हमें मिला लेना है ग्रेवी के साथ। बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिला लिया, और गाढ़ा लग रही है। इसमें थोड़ा सा हम पानी भी डाल देंगे, तो उबले हुए गर्म पानी ही डाल देंगे। तो उबले हुए गर्म पानी हमने डाल दिया एक कप के करीब। पानी डालने के बाद फिर से हमें अच्छी तरह से मिला लिया, और इसमें फ्लेवर के लिए हरी मिर्च डाल दिया। आप चाहे तो इसी वक्त थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर और थोड़ा सा घी डालकर इसी तरह पका सकती हो। तो 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हमने पका लिया, और मीडियम फ्लेम में पकने के बाद इस तरह से बने। तो बहुत ही पतला लग रही है, थोड़ा गाढ़ा हमें चाहिए। तो इसे हमें इसी तरह बिना कवर किए हुए 2 मिनट हाई फ्लेम में फिर से पका लेना है। तो हमने अलट पलट कर इसी तरह दे दिया, और 2 मिनट हाई फ्लेम में हम पका लेंगे। तो ये बनके भी तैयार हुए, 2 मिनट हमने पका लिया। और ये जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे सर्विंग डिश में। तो ये बनके तैयार हुए, गैस भी हम बंद कर देंगे, और सर्विंग डिश में डिश आउट भी हम कर लेंगे इसे। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में कमेंट भी कीजिए वीडियो कैसे बने। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के साथ ही रहिए। साथ में जो बेल है उसे भी क्लिक कीजिए, जब अब नया वीडियो डाले तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपको नज़दीक से भी हम दिखा रही हूँ, दिखने में जितने डिलीशियस लग रही है खाने में उससे कई ज़्यादा डिलीशियस है। और आप इसे गरम-गरम चावल या रोटी के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के नया और ईजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।